स्वागत है आपका न्यूज 14 में। मैं हूं सैयद नकी हसन। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भिवंडी की जानिब से जरूरतमंद फैमिली को राशन किट तकसीम की गई। इस मौके पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान और भिवंडी सदर याकूब अहमद अंसारी, भिवंडी वाइस प्रेसिडेंट इमरान मोहम्मद शेख और मौलाना फैयाज अहमद बरकाती ने शिरकत की। न्यूज़ 14 से बात करते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भिवंडी के सदर याकूब अहमद अंसारी ने कहा कि भिवंडी में बहुत सी जगहों पर इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम हो रहा था जो सिर्फ कुछ ख़ास लोगों के लिए होता है, इसलिए हमने राशन किट बांटने का इरादा किया जिससे ज़रूरतमंद लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आज यहाँ पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से हर साल जो है महाराष्ट्र भर में अलग अलग इलाकों में जो है हमारे बनात वाला साहब और अहमद साहब के नाम से जो है रमज़ान रिलीफ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और आज पहले बार जो है यहाँ पर शहर अध्यक्ष बनाने के बाद में सोचा कि भिवंडी में भी इसका शुरुआत करूँ। उस हिसाब से यहाँ पर गरीबों में जो है मुस्तहिक लोगों में आज यहाँ पर राशन बांटा गया। अस्सलामु अलैकुम, मैं याकूब अंसारी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट, भिवंडी शहर। जैसा कि इस न्यूज़ के माध्यम से मैं भिवंडी शहर की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आज जो है 29वां रोज़ा है, तो आज के दिन हम लोग जो है महाराष्ट्र के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब है और महाराष्ट्र की जो IUML की कमेटी है वो और भिवंडी शहर की जो IUML की कमेटी है, हम लोग ने मिलकर जो है आज भिवंडी शहर के अंदर जो है कम से कम 50 घर वाले को राशन किट बांटने का प्रोग्राम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख एहसान है और आप सभी लोगों की दुआ है कि वो प्रोग्राम कामयाब हुआ। और मेन बात ये थी कि हम लोग जो है बहुत सारे प्रोग्राम देख रहे थे, अफ्तारी का प्रोग्राम कई जगह हो रहा था बड़े धूमधाम से। अच्छी बात है, मतलब नेक काम है, हम किसी को कुछ गलत नहीं बोल रहे, बहुत अच्छा काम है। लेकिन हम लोग को कुछ ऐसा समझ में आया कि अफ्तारी प्रोग्राम में ज़्यादातर जो है हम देख रहे थे कि बड़े बड़े लोग थे, हर जगह न्यूज़ पे देखते थे हम लोग बड़े लोग और नगर सेवक है और जो सत्ता में लोग है वो लोग अफ्तारी के प्रोग्राम में दावत खाते हुए हमको दिखे न्यूज़ वगैरह में। तो हम लोग ने ऐसा सोचा कि कुछ काम ऐसा किया जाए कि गरीब तक फ़ायदा पहुँचे। तो इसके लिए हम लोग ने महाराष्ट्र की कमेटी और भिवंडी की कमेटी ने आपस में डिस्कशन करके ये फैसला लिया कि कम से कम जो यहाँ के जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो जो मजबूर है, उनको जो है राशन किट बांटा जाए। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फिर से मैं लाख लाख अल्लाह का एहसान मानता हूँ कि इस प्रोग्राम को अल्लाह ने कामयाब किया। और मैं भिवंडी शहर की जनता से भी मैं अपील करता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक ऐसी पार्टी है जो भारत देश के आज़ादी के टाइम से वो पार्टी यहाँ पर है और बहुत ही अच्छी पार्टी है और हर धर्म के लोगों का, हर जाति के लोगों के अच्छे काम के लिए ये पार्टी काम करती है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस पार्टी में जुड़िए और जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा मिल के हमारे साथ जो है नेक काम करें। और आप लोग जुड़ेंगे तो हमको भी हौसला मिलेगा। यहाँ से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। जय भीम, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।